हमारा देश भारत जो कि इस विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में तो सिर्फ चाइना से ही पीछे है। हमारे देश ने पूरे विश्व के लिए काफी कंट्रीब्यूशन यानी काफी योगदान दिया है। हमारे देश के लोगों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विकास में योगदान दिया है। लेकिन क्या होता अगर भारत होता ही नहीं तो? तो चलिए साथ में देखते हैं अगर हमारा देश भारत होता ही नहीं तो क्या होता। हिमालयाज एग्जिस्ट नहीं करते। हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इरोजियन प्लेट की कोरेजन से बना था और अगर वो कोरेजन होता ही नहीं तो विश्व में कोई भी पहाड़ 7000 मीटर तक का नहीं होता। अमेरिका की डिस्कवरी में डीले आता यानी कि उसकी खोज में देरी होती। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर भारत होता ही नहीं तो अमेरिका की डिस्कवरी काफी लेट होती क्योंकि कोलंबस ने भारत की खोज भारत के खजानों के लिए की थी। यहाँ के खजाने से मेरा मतलब यहाँ के स्पाइसेस यानी मसाले सोना और वेद विज्ञान है। और अगर भारत होता ही नहीं तो कौन पूरा अटलांटिक ओशियन पार करना चाहता किसी बंजर जमीन के लिए। और अगर हम यह मान लेते हैं कि अमेरिका को पूरी दुनिया के कांटेक्ट में आने में देर लगती तो वहाँ वो उनके लिए अच्छा ही होता। तो वहाँ हमें सिविलाइजेशन इम्प्रूवमेंट और बेटर वॉरफेयर स्किल्स मिलती जिससे ब्रिटिशर्स को वहाँ पर कब्जा करने में दिक्कत आती। ब्रिटिश एम्पायर कभी शक्तिशाली ना बन पाता। विक्टर एलेक्जेंडर रूस ने एक बार यह कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य का प्रधान है। अगर हमारे साम्राज्य ने कुछ और खोया तो चलेगा मगर अगर भारत खोया तो हमारे साम्राज्य का सूरज डूब जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के सैनिकों और रिसोर्सेस का इस्तेमाल खूब किया। अगर भारतीय लोग होते ही नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य इतना शक्तिशाली कभी बन ही नहीं पाता। सिर्फ इतना ही नहीं अंग्रेज हमारे यहाँ के किसानों को मजबूर करते थे कि उन्हें रॉ मटेरियल सस्ते में दे दें और उन्हीं रॉ मटेरियल को वह अपने देश ले जाकर उनसे बढ़िया चीजें बनाकर ऊंचे दामों में बेच देते। प्रॉफिट वो उन्हीं के पास रहता। बड़े धर्म जैसे हिंदुज्म सिखिज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई अस्तित्व ही नहीं होता। दुनिया को योगा का ज्ञान नहीं मिल पाता। मॉडर्न खेल जैसे शतरंज बैडमिंटन कार्ड्स आर्चरी और कबड्डी एग्जिस्ट नहीं करते। मॉडर्न टेक इक्वेशन एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक का अस्तित्व या तो होता ही नहीं और होता तो बहुत देर से आता। बटन्स रोलर्स एंड स्केल फिमोनिक नंबर रेडियो स्टील एंड मेटल वर्क प्लास्टिक सर्जरी आयुर्वेदा शैम्पू और भी कई मैथमेटिकल साइंटिफिक और बायोलॉजिकल चीजें यह सब चीजें दुनिया को मिल ही नहीं पाती। और हाँ जीरो अगर जीरो नहीं होता मॉडर्न मैथ आसान नहीं होती। और अगर आपको मैथ से चिढ़ है तो जो आपके सामने रखा लैपटॉप या कंप्यूटर है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो बाइनरी कोड पर चलता है।